हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में। तो आज के 10 इम्पॉर्टेंट हिंदी जीके। तो आज का हमारा है पहला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अर्थवेद। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। तो आज का हमारा है दूसरा क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या होता है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत। तो आज का हमारा है तीसरा क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है? ऑप्शन ए गजल, ऑप्शन बी ध्रुपद, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ध्रुपद। आज का हमारा है चौथा क्वेश्चन, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी असम। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। तो आज का हमारा है पांचवा क्वेश्चन, बाड़ोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी पंचायतन, ऑप्शन सी बेसर, ऑप्शन डी द्रविड़। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी बेसर। तो आज का हमारा है छठा क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए खारवेल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अमोघवर्ष, ऑप्शन डी चामुंड राय। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चामुंड राय। तो आज का हमारा है सातवां क्वेश्चन, कौन सा वृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्य वर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? ऑप्शन ए अंकोरवाद मंदिर, ऑप्शन बी बाटू केव्ज मंदिर, ऑप्शन सी काम संख्या मंदिर, ऑप्शन डी श्री मरिया ममन मंदिर। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंकोरवाद मंदिर। तो आज का हमारा है आठवां क्वेश्चन, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी भोपाल। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बेंगलोर। तो आज का हमारा है नवा क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 16। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 6। तो आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई के समीप, ऑप्शन बी हैदराबाद के समीप, ऑप्शन सी नासिक के समीप, ऑप्शन डी गोवा में। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुंबई के समीप। ये हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट
जीके क्वेश्चन। आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। ऐसे यूजफुल कंटेंट जब भी आते हैं तो आप टाइम टू टाइम उपलब्ध हो। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।